व्यवस्था विवरण अध्याय 24। व्यवस्था विवरण अध्याय 24। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याहले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वा वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सन्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना। जो पुरुष हाल का ब्याह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की को व उसके ऊपर के पार्ट को बंधन न रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधन रखना है। यदि कोई अपने लिए इसराइली भाई को दास बनाने व बेच डालने की मंशा से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना, कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस रहना, और जो कुछ लेवी याजक तुझे सिखाए उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसी आज्ञा मैंने उनको दी है वैसा करने में चौकसी करना। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र में से निकलकर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना, तू बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए, और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। सूर्यास्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे, और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश में फाटकों से भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना। यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूर में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दोहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। किसी परदेशी मनुष्य व अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना, और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ।
व्यवस्था विवरण अध्याय 25। व्यवस्था विवरण अध्याय 25। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए, और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए, वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकते हैं, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का ब्याह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इसराइल में से मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इसराइल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्धों के सामने उसके पास जाकर उसके पाव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इसराइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस न खाना, अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे न रखना, अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकालकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबके पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना, और तुम इस बात को न भूलना। व्यवस्था विवरण अध्याय 26। व्यवस्था विवरण अध्याय 26। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजकों के पास जाकर यह कहना कि मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों के साथ शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूं। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने धर दे, तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना कि मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था,
जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ, तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना कि मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला है और न भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश को भूमि पर आशीष दे जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों के मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे।